नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस ग्रुप के एक बेहतरीन शेयर जो कि पूरी तरह से क्रैश हो गया। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्टॉक्स है नेटवर्क 18। देखिए स्टॉक पूरी तरह से यहाँ पर क्रैश हो चुका है, पहले भी ये क्रैश हुआ था यहाँ से अपने हायर लेवल से, फिर से ये यहाँ पर जो है 80 रुपीज के आसपास से क्रैश हुआ है, अभी 62 रुपीज प्राइस आ गया है और इसका जो सपोर्ट था 70 रुपीज उसको ब्रेक कर दिया है और नेक्स्ट जो इसमें सपोर्ट है वो है 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ का जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये 50 रुपीज़ को ब्रेक कर देता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये बेयरिश हो जाएगा, फिर आपको इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी भी इन्वेस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जब फॉल कर रहा हो तो फॉलिंग नाइफ को कभी भी कैच नहीं करना चाहिए। तो इस स्टॉक को अभी आपको अवॉइड करना चाहिए, अभी कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट कर लेकर के ऊपर जाए, लेकिन फिर भी जब तक ये पैटर्न जो है बुलिश पैटर्न ना बन जाता है तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न जो है पूरी तरह से बेयरिश पैटर्न है। देखिए यहाँ पर स्टॉक जैसे गिरावट हुआ, फिर से यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर रूप में कंसोलिडेट हुआ, तब बेयरिश रेक्टेंगल था और इस रेक्टेंगल को फिर नीचे के साइड ये ब्रेक किया है तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये बेयरिश हो चुका है और ज़्यादा ये बेयरिश हो सकता है अगर 50 रुपीज को ब्रेक करता है। तो जब तक ये बुलिश पैटर्न ना बना दे, बुलिश पैटर्न कैसे बनेगा, ये साइडवेज हो, यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम के बाद ये जो रेंज बनाए इस रेंज को ऊपर ब्रेक करे, जैसे इस तरह से यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, एक रेंज बनाया, रेंज को नीचे की ओर ब्रेक किया तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद बेयरिश हो गया। इसी तरह यहाँ पर कंसोलिडेट हो एक रेंज में, 10 रुपये 20 रुपये के रेंज में ये कंसोलिडेट करे और फिर उस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करे तो हम फिर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो ज़्यादा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, रिलायंस ग्रुप का शेयर है, नेटवर्क 18 जो है इंगेज हुआ है बिजनेस में, डिजिटल कंटेंट में, प्रिंट और एलाइड बिजनेस में।